हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। ये इंडियन पैनल कोड चैप्टर 16 का सीरीज है और इस लेक्चर में हम लोग एपिसोड नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंसेस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली मेंस के दृष्टिकोण से। तो आप लेक्चर को स्टार्ट करो देखना, उसके पहले अपने पास नोटबुक जरूर रख लो, ताकि जो भी सेंसियल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं आप उसे लिख लो। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 16 से जुड़े हुए जो सेक्शंस हैं, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, मिसकैरेज, हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, रॉन्गफुल रेस्टोरेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, इन सभी बातों पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है चैप्टर 16 इंडियन पैनल कोड, तो आपको इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और उन सभी लेक्चर्स को देखो, काफी महत्वपूर्ण है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पेज लॉज लाइफ पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल क्वायरी के लिए मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पे ही एक जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप है, आप उस ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आपका जुडिशियरी का प्रिपरेशन, जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो देखिए, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो किडनैपिंग और एबडक्शन को लेके है वो है, किडनैपिंग के केस में जब भी किडनैपिंग होता है तो किसका होता है? तो किडनैपिंग के केस में माइनर अगर मेल है तो उसका एज 16 से कम, फीमेल है तो उसका एज 18 से कम, या फिर वो किसी भी एज का है लेकिन कंडीशन है कि वो अनसाउंड माइंड का होना आवश्यक है, तो इन्हीं व्यक्तियों को लेके किडनैपिंग हो सकता है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एबडक्शन, तो एबडक्शन में एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एबडक्शन किसी भी व्यक्ति का किया जा सकता है। एबडक्शन माइनर का भी हो सकता है, एबडक्शन मेजर का भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब आइए दूसरा। दूसरा कहता है कि किडनैपिंग के केस में जिस माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को किडनैप किया जाएगा वह लॉफुल गार्जियन के कस्टडी में होना आवश्यक है। तो कहने का यह मतलब है कि किडनैपिंग के केस में लॉफुल गार्जियनशिप एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किडनैपिंग कब होगा? जब माइनर को हम लॉफुल गार्जियन के कस्टडी से मूव्ड आउट करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करेंगे एबडक्शन का, तो एबडक्शन के केस में आप देखो लॉफुल गार्जियनशिप का कोई कॉन्सेप्ट या इशू नहीं है, पर्सन जिसको एबडक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल गार्जियन के कस्टडी में ही हो ये आवश्यक है ही नहीं, ये इररिलेवेंट है। तो ये होगा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब आइए तीसरा पे। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फोर्स को लेके। किडनैपिंग के केस में फोर्स का यूज नहीं होता है, डिसिटफुल मींस का इस्तेमाल नहीं होता है किडनैपिंग करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लोग एबडक्शन का बात करते हैं तो एबडक्शन में फोर्स का यूज होता है, क्योंकि फोर्स के माध्यम से ही व्यक्ति को कंपेल किया जाता है, डिसिटफुल मींस के माध्यम से ही व्यक्ति को इंड्यूस किया सकता है जाता है ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करे। तो फोर्स यूज नहीं होता है किडनैपिंग में, एबडक्शन केस में फोर्स यूज होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब आते हैं चौथा। किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर किसी माइनर को लॉफुल गार्जियन के कस्टडी से बाहर किया गया, उसके बाद उस माइनर को किसी तीसरे व्यक्ति के कस्टडी में रख दिया गया
और उस तीसरे व्यक्ति के कस्टडी से कोई भी व्यक्ति उस माइनर को मूट आउट करता है तो वह तीसरा व्यक्ति किडनैपिंग का लायबल नहीं होगा, क्योंकि वह माइनर जिस तीसरे व्यक्ति के पजेशन में कस्टडी में है वह उसका गार्जियन नहीं है, लॉफुल गार्जियन नहीं है। इसलिए कहा गया कि किडनैपिंग कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब लोग बात करेंगे एबडक्शन का, तो एबडक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस मीन्स टू से कि अगर एक बार आप फोर्स या इंड्यूसमेंट का यूज करके व्यक्ति को मूव करा देते हो और वो फिर दोबारा उस जगह से सब्सिक्वेंट मूविंग होता है किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो वो तीसरा व्यक्ति भी लाइबल हो जाएगा फॉर एन ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। तो किडनैपिंग के मामले में आप कह सकते हैं कि किडनैपिंग कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, एबडक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। किडनैपिंग किस इंटेंट से किया जा रहा है, किडनैपिंग करने के पीछे का क्या इरादा है, क्या पर्पस है, इस बात का लेना देना नहीं होता है। किडनैपिंग किस उद्देश्य से हो रहा है, किडनैपिंग करने के पीछे किडनैपर का क्या इरादा है, ये इररिलेवेंट इश्यूज है। किडनैपिंग के अपराध को गठित होने के लिए जो आवश्यक तथ्य है वो यह है कि वह लॉफुल गार्जियन के कस्टडी से बाहर किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करेंगे एबडक्शन का, तो एबडक्शन के केस में पर्सन जो एबडक्ट कर रहा है उसका इंटेंट बहुत जरूरी है, वो किस उद्देश्य से एबडक्शन को कर रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी पर्पसलेस व्यक्ति को मूव कराया गया तो वो एबडक्शन नहीं माना जाएगा। जब भी एबडक्शन होगा तो वहां पे आप हमेशा याद रखना कि एबडक्ट करने वाला व्यक्ति इरादे से कर रहा है, वो इरादा क्या है कुछ भी हो सकता है। 366 ए 367-68 के तहत। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना बहुत जरूरी है कि इसको और डिटेल में जाते हैं। किडनैपिंग क्या है, सब्सटैंटिव ऑफेंस। सब्सटैंटिव ऑफेंस मतलब किडनैपिंग खुद में अपराध है, क्योंकि देखो आप किडनैपिंग खुद में अपराध है उसका अलग से पनिशमेंट भी है 363 में। लेकिन आप जब दूसरी ओर एबडक्शन को देखते हो तो एबडक्शन क्या खुद में अपराध है, जी नहीं, वो ऑक्सिलरी एक्ट है। ऑक्सिलरी एक्ट का मतलब होता है यह खुद में ऑफेंस नहीं है, तो वो जब तक दूसरे ऑफेंस से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो अपराध नहीं है खुद में। तो किडनैपिंग जहां किडनैपिंग होगा वहां एबडक्शन होता है। तो कहने का मतलब कि किडनैपिंग से जुड़ा हुआ कार्य एबडक्शन है, इसलिए तब जाके एबडक्शन पनिशेबल है, क्योंकि एबडक्शन ऑक्सिलरी इन नेचर है, ऑक्सिलरी एक्ट है। इसलिए भी आप समझो कि किडनैपिंग के केस में इंटेंट आवश्यक नहीं होता है और एबडक्शन के केस में इंटेंट आवश्यक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे, ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। किडनैपिंग के केस में जिस व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा है, दैट मीन्स माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको आउट ऑफ कीपिंग किया जा रहा है, उसका कंसेंट का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो इनकैपेबल है फॉर गिविंग कंसेंट। अगर जिस व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल माइनर को किडनैप किया जा रहा है, अगर वो अपने किडनैपिंग का सहमति दे भी दे किडनैपर को, तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किडनैपर लाइबल होगा किडनैपिंग का फ्रॉम लॉफुल गार्जियन से। सहमति किसका आवश्यक है, सहमति गार्जियन का चाहिए। अगर गार्जियन सहमति दे देता है कि वह आउट ऑफ कीपिंग कर सकता है किडनैपर, तब जाके कोई अपराध नहीं होगा किडनैपिंग का। लेकिन जिस व्यक्ति को किडनैप किया रहा है उसके कंसेंट का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वह इनकैपेबल है। और वहीं दूसरी ओर लोग जब एबडक्शन का बात करेंगे, तो एबडक्शन केस में अगर जिस व्यक्ति को एबडक्ट किया जा रहा है एबडक्टर के द्वारा, तो पर्सन जिसको एबडक्ट किया गया वो अपने एबडक्शन का सहमति दे दे, और सहमति अगर दैट मींस कि अगर कंसेंट फ्री कंसेंट है, तो फिर यहां पे जो ऑफेंडर है वो लाइबल नहीं होगा फॉर एन ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। तो एबडक्शन में अगर कंसेंट हुआ तो एबडक्शन का अपराध घटित नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात। और वहीं दूसरी ओर किडनैपिंग के केस में कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है अपराध के गठित होने में किडनैपिंग का। तो ये हो गया 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम।
हम लोगों ने इस लेक्चर में मुख्यतः डील किया सात ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स पे जिसका संबंध है पर्सन जिसको किडनैप किया जा रहा है उसको लेके। इस पॉइंट पे हम लोगों ने डिफरेंसेस जाना, हम लोगों ने गार्जियनशिप के बेसिस पे डिफरेंसेस जाना, हम लोगों ने फोर्स के बेसिस पे दोनों पे डिफरेंसेस जाना, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे दोनों में अंतर जाना, और हम लोगों ने इंटेंट को लेके दोनों के बीच में अंतर जाना। और इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है किडनैपिंग और एबडक्शन एक ऑक्सिलरी एक्ट है। ऑक्सिलरी एक्ट है इसका क्या मतलब है मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंसेंट के बेसिस पे दोनों किडनैपिंग एबडक्शन में डिफरेंसेस। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।